Assalamu alaikum student. This is class 1. I am your science teacher Ms. Noshaba. Today we are going to start our new lesson Keeping Fit. Lesson name is Keeping Fit. Lesson number 8, page number 45 to 49. Introduction of the lesson. In this lesson Keeping Fit, we learn about the importance of exercise, play, good posture, sleep and rest.

Number one is football, football using football game. Number two is tennis, tennis using tennis game. Number three is bat, bat using cricket game. Number four is hockey, hockey using hockey game. Now, line number one You must always try to be fit and healthy. आपको हमेशा फ़िट और हेल्दी सेहतमंद रहने की कोशिश करनी चाहिए अ पर्सन इज़ फ़िट एंड हेल्दी इज ऑलवेज़ हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ अ पर्सन यानी एक आदमी जो कि फ़िट और हेल्दी होता है हमेशा खुश रहता है और अपनी लाइफ को इंजॉय करता है नाउ एक्सरसाइज एंड प्ले वर्जिश और खेल लाइन नंबर थ्री यू शुड एक्सरसाइज योर बॉडी एवरी डे आपको अपनी बॉडी की डेली एक्सरसाइज यानी वर्जिश करनी चाहिए एक्सरसाइज कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वर्जिश आपको सेहतमंद और महफूज रखती है लाइन नंबर फाइव एक्सरसाइज मेक यू फील हंग्री वर्जिश से आपको भूख महसूस होती है इट हैल्प यू ईट वेल इससे आपको अच्छा खाने में हेल्प मिलती है यानी अगर आप भूख महसूस होंगे करेंगे तो आप अच्छा यानी पेट भर के खाना खा सकेंगे नंबर टू है सेवन नंबर सेवन है एक्सरसाइज आल्सो मेक यू फील टायर्ड एक्सरसाइज से आपको थकन महसूस होती है इट हेल्प यू स्लीप वेल और आप फिर अच्छे तरीके से ये आपको सोने में हेल्प करती है यानी कि जब आप थके हुए होंगे तो आप प्रॉपरली स्लीप हो सकेंगे नाउ लाइन नंबर नाइन यू मस्ट गो आउट एंड वॉक एवरीडे आपको डेली हर रोज़ बाहर जाना चाहिए और प्ले यानी खेलना चाहिए यू इंजॉय वाइल्ड प्लेइंग टुगेदर विद अदर चिल्ड्रन आपको इंजॉय करना चाहिए जब आप दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हों प्लेइंग एंड रनिंग अराउंड कीप यू फिट खेल और इर्गिर्द भागना आपको फिट रखता है बट यू शुड नॉट प्ले सून आफ्टर ईटिंग लेकिन आपको खाने के फ़ौरन बाद नहीं खेलना चाहिए इज इट क्लियर नाउ Now good posture. Posture is a way in which you sit, stand and walk. यानी कि आप किस तरीके से उठते बैठते और चलते हैं that is called posture. Now line number फोर्टीन Posture is the way you hold your body. पोस्चर वो तरीका है जिसमें आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं इट इज़ द वे यू sit, स्टैंड एंड वॉक ये इसमें आपका उठना बैठना और चलना शामिल है लाइन नंबर फिफ्टीन यू मस्ट ऑलवेज वॉक अप राइट आपको हमेशा सीधा चलना चाहिए यू शुड ऑलवेज सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट आपको हमेशा सीधा बैठना और खड़े होना चाहिए गुड पोस्चर कीप योर बॉडी फिट गुड पोस्चर आपकी बॉडी को फिट रखता है दे आल्सो मेक यू लुक स्मार्ट और इससे आप स्मार्ट नजर आते हैं नाउ लाइन नंबर सेवेंटीन यू मस्ट रिमेंबर टू सिट स्ट्रेट वाइल राइटिंग Doing your homework or reading and working on the computer. यस यू मस्ट रिमेम्बर आपको हमेशा याद रखना चाहिए टू तो सिट स्ट्रेट के सीधा बैठें जब आप कुछ लिख रहे हो हूं, अपना होमवर्क कर रहे हो रीडिंग कर रहे हो या कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए हेयर आर फ्यू पिक्चर्स ऑफ गुड पोस्टर नंबर वन में देखिए वॉक अपराइट जो बॉय है वो बिल्कुल सीधा चल रहा है नंबर टू में स्टैंड स्ट्रेट गर्ल बिल्कुल सीधी खड़ी है नंबर थ्री में सिट स्ट्रेट और ये बिल्कुल सीधी बैठी हुई है इज इट क्लियर ना दिज फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कीजिए जो बिल्कुल गुड पोस्चर्स में जो है वो खड़े हुए या बैठे हुए हैं नंबर वन देखिए वो कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है गुड पोस्चर आप इसको सर्कल करेंगे झुक कर खेल रहा है दिस इज नॉट राइट फिर वो लेट कर रहा है ये भी ठीक नहीं है अब थर्ड फोर्थ में देखिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है खड़ा हुआ है बैग उसने हैंग किया हुआ है तो दिस इज़ अ गुड पोस्चर तो आप इसको सर्कल करेंगे फाइव में वो फिर दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ है तो ये भी ठीक नहीं है तो इसको भी आप सर्कल नहीं करेंगे नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज कीप यू हेल्दी एंड स्ट्रांग एक्सरसाइज वर्जिश जो है वो आपको हेल्दी और स्ट्रांग रखती है नंबर टू है द वे यू सिट स्टैंड एंड वॉक इज़ नाउन एज पोस्चर नौ रेस्ट एंड स्लीप आराम और सोना लाइन नंबर नाइनटीन यू आर एक्टिव जूरिंग द होल डे आप तमाम दिन एक्टिव चुस् यानी कि काम में मसरूफ रहते हैं योर बॉडी नीड रेस्ट आफ्टर डेड इसके बाद आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है यू नीड रेस्ट फॉर अबाउट नाइन आवर्स आपको तकरीबन नौ घंटे जो है वो आराम की ज़रूरत होती है यू शुड स्लीप अर्ली एट नाइट आपको रात को जल्दी सोना चाहिए एंड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग और सुबह जल्दी उठना चाहिए वेन यू गेट अप आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप यू फील रिफ्रेश जब आप रात की एक अच्छी नींद के बाद उठेंगे तो आप अपने आप को तरोताज़ा फ़ील करेंगे यानी कि तमाम दिन भर काम करने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है और आपको तक़रीबन दिन में कितने घंटे सोना चाहिए यस नाइन आर तक नाइन आवर जो है वो आपको स्लीप रेस्ट करना चाहिए इसके लिए आपको चाहिए कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें और अगर आप रात को जल्दी सोएंगे तो आपके जो है एक अच्छी स्लीप लेंगे गुड नाइट स्लीप लेंगे जिससे आप जो है अपने आप को रिफ्रेश फील करेंगे यानी कि तरोताज़ा फ़ील करेंगे ना लाइन नंबर ट्वेंटी टू यू शुड वियर क्लीन नाइट क्लॉथ एंड स्लीप ऑन अ क्लीन बेड आपको जो है आ, साफ़ रात के कपड़े और साफ बिस्तर पर सोना चाहिए लाइन नंबर ट्वेंटी थ्री नेवर कवर योर फेस बाइ स्लीपिंग जब आप सो रहे हो तो अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए कवरिंग द फेस डज नॉट अलो यू ब्रीथ फ्रेश एयर अगर आप अपने फेस को कवर करके सोएंगे तो आप ताज़ा हवा में सांस नहीं ले सकेंगे ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज एंड नॉट थ्रू योर माउथ हमेशा जो है अपने नाक से सांस लें ना के मुंह से लाइन नंबर ट्वेंटी एट आलवेज ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले हमेशा ब्रश कीजिए लाइन नंबर ट्वेंटी सेवन एक्सरसाइज प्ले एंड रेस्ट कीप यू फिट एंड हेल्दी वर्जिश खेल और आराम आपको फिट और हेल्दी रखता है यस yes, आपको सोने से पहले क्या करना चाहिए क्लीन नाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए और अपने बेड को क्लीन करना चाहिए उसके बाद जब आप सो रहे हो तो अपने फेस को कवर नहीं करें और रात को हमेशा सोने से पहले ब्रश करें इस तरह आपको प्रॉपर वर्जिश खेल और रेस से जो है आप जो है वो फिट और हेल्दी रहेंगे नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यू शुड स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए नाउ दिस दिस इज़ बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर फोर्टी एट नंबर वन है क्वेश्चन ए इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऑप्शन गिवन है आपने उनकी हेल्प से फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है नंबर वन इज़ अ हेल्दी पर्सन डैश लाइफ हेल्दी पर्सन जो है वो क्या करता है लाइफ को इंजॉय करता है यू विल राइट हेयर इंजॉय नंबर टू है एक्सरसाइज मेक यू डैश डल स्ट्रोंग स्ट्रॉन्ग यू विल राइट हेयर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज वर्जिश जो है वो आपको क्या बनाती है स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाती है नंबर थ्री पोस्चर इज़ द वे यू होल्ड योर बॉडी पोस्चर जो है वो वे है जिससे आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हैं नंबर फोर है ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज कि हमेशा आप किससे सांस लें नोस से नंबर फाइव है यू शुड गेट रेस्ट फॉर अबाउट कितने आर चाहिए आपको नेस्ट के लिए नाइन यस यू विल राइट हेयर नाइन नंबर सिक्स है नेवर कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग जब आप सो रहे हो तो अपने फेस को कवर नहीं करें नौ क्वेश्चन बी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स आप बताइए कि इनमें से कौन से सेंटेंसेज ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं नंबर वन है यू नीड नॉट एक्सरसाइज टू बी फिट एंड हेल्दी आपको फिट और हेल्दी रहने के लिए वर्जिश की जरूरत नहीं है दिस इज़ फॉल्स नंबर टू है यू मस्ट प्ले एवरी डे येस ट्रू नंबर थ्री है यू शुड प्ले सून आफ्टर ईटिंग फूड आपको खाने के फ़ौरन बाद खेलना चाहिए नो दिस इज फॉल्स नंबर फोर है यू मस्ट सिट स्ट्रेट वाइल वाचिंग टी वी जब आप टी वी देख रहे हो तो आपको सीधा बैठना चाहिए येस ट्रू नंबर फाइव है ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज हमेशा अपनी नोज़ के जरिए सांस ले येस दिस इज़ ट्रू रेस्ट एंड स्लीप मेक यू लेजी रेस्ट आराम और सोना आपको लेजी बनाते हैं नहीं प्रॉपर रेस्ट और स्लीप जो है आपको रिफ्रेश करते हैं तो दिस इज फॉल्स नंबर सेवन है यू शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको सुबह जल्दी सोना चाहिए जल्दी उठना चाहिए येस दिस इज ट्रू नाउ दिस इज अ टास्क ऑन पेज नंबर फोर्टी नाइन मेस द फॉलोइंग बाई ड्राइंग लाइंग यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें कि बन है आपने उनको मैच करना है नंबर वन इज़ बैट बैट को आप किससे मैच करेंगे बॉल से नंबर टू इज़ रैकेट रैकेट को आप शिटल कॉक से और ये जो ये रैकेट है इसको आप टेबल टेनिस की कॉर्स से जो है वो मैच करेंगे इज इट क्लियर नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन थैंक यू अल्लाह हाफिज़